So today's session is all about extraocular muscles, which Priyanshi ma'am has completed her diploma from Aligarh Muslim University and has worked in OT for a few months, and currently she is pursuing Bachelor's of Optometry from Jamia Hamdard University, and she has also attended various workshops, and currently she is linked with awareness towards optometry in general public. Thank you so much, Priyanshi. Most welcome. Now, Thank please you, go Nicole. Ahead. Thank you. And thank you, Optima, for this opportunity. So, I would like thank you. You guys will interact with me throughout the session, okay? In that way. Okay. Okay. Nikad, so I want you to be unmuted. Because I have to ask you some questions. Okay. So guys, chat box is your place. So feel free to write there whether you have any doubt or whether I ask you to write there if you know the answer or don't know, so try it. Okay, so let's start with few questions. ठीक है? क्योंकि last में तो आप लोग पूछने वाले हो तो मैं लेती हूँ. So how many of you know about extraocular muscles? आप chat box में बोलो जरा, बताओ. अबाउट एक्स्ट्राकुलर मसल्स, और आप लोग को लगता है कि आपको आता है एक्स्ट्राकुलर मसल. निकट लेट मी नो द रेस्पॉन्स. तो शाहिद आजम हैज रिप्लाइड. मैं थोड़ा सा जानता हूँ. ओके या अब बस शाहिद का रेस्पॉन्स आया है. यस शाहिद का ही गाइस रेस्पॉन्स. अगर आप आई गेस हम लोग तो थोड़ा जानते हैं. फर्स्ट ईयर वाले भी रेस्पॉन्स कर सकते हैं इस पे. तो ये तो है ना, इसीलिए बोला है मैंने, पूछा है. एक्सक्यूज मी मैम, ये हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन. बोलो. हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सेशन मैम, तो इट्स बेटर कि हम लोग बाद में ही डिस्कशन करेंगे. जैसा ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू मी ना, जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि स्क्विंट बहुत टफ है, मेरे को समझ नहीं आता स्क्विंट कैसे करें, कहते हैं थोड़े बहुत. मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों नहीं स्क्विंट समझ में आता, क्योंकि आप स्क्विंट तो पढ़ते हो बट आप एक्स्ट्राकुलर मसल, ऑक्युलर मूवमेंट, लॉज वो सब नहीं पढ़ते हो, वो आप नहीं देखते हो कि आप चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उनको हम छोटा सोच के कि छोटा टॉपिक है, एंड देन वी नेग्लेक्ट दैट. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद व्हाट आर एक्स्ट्रा extraocular muscles are the muscles of eyes, right? So what is the function of extraocular muscles? Extraocular muscles jo hote hain wo control karti hain and govern karti hain movement of the eyeball. And kahan located? It located into the within the eye. So how many extraocular muscles we have recti and two oblique, that is six extraocular muscles. Recti mein hamara aa jata hai superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, और superior oblique and superior oblique, right? So before going ahead, कि origin और insertion क्या है? अगर extraocular muscles की आप बात कर रहे हो तो कहाँ से originate हो रही है, कहाँ insert हो रही है, वो एक बहुत important point. कई muscles होती हैं हमारी, वो एक tendulous ring से originate हुई होती हैं, जिसको हम बोलते हैं annulus of Zinn. और ये इंसर्टेड होती है स्क्लेरा में डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द लिम्बस. मतलब इनका जो डिस्टेंस होता है वो डिफरेंस डिफरेंस होता है, मतलब डिस्टेंस में अगर आप देखो तो मीडियल रेक्टस हमारी 5.5 mm मतलब mm की तरफ होती, एंड इंफीरियर रेक्टस हमारी 6.5, लेटरल रेक्टस 6.9, एंड सुपीरियर रेक्टस इज 7.7. सो यू कैन रिमेंबर दिस इन लाइक दैट वे कि एंटी क्लॉकवाइज तो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है. मैं बेसिकली ऐसे याद करती हूँ. अभी हमने रेक्टाई के ओरिजिन की बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट द ओब्लिक्स ओरिजिन. तो लाइक सुपीरियर ओब्लिक की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो बोन जो सुपीरियर ओब्लिक होती है वो ओरिजिनेट होती है बोन अबव द मीडियल टू द ऑप्टिक फोरामेन, एंड इंसर्टेड होती है स्क्लेरा में. अगर इंफीरियर ऑब्लिक की बात करें तो इंफीरियर ऑब्लिक ओरिजिनेट होती है आउटर प्लेट ऑफ द मैक्सिला में, मैक्सिला से, और इंसर्टेड होती है इन टू द लोअर आउटर प्लेट ऑफ
sclera. We know about the origin and insertion now. ठीक है, let's talk about the nerve supply. क्यों nerve supply एक ऐसी important चीज है ना कि इसके में कुछ है ही नहीं. तो नर्व सप्लाई के लिए बेसिकली हमारी आंख में तीन नर्व सप्लाई कर रही होती हैं, तीन क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है. क्रेनियल नर्व क्या होती है? क्रेनियल नर्व होती है जो डायरेक्ट ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन. ठीक है, हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं. तो बेसिकली आंख में हमारे पास तीन यूज होती है, सिक्स. थर्ड होती है ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ होती है ट्रोक्लियर एंड सिक्स होती है एब्ड्यूसेंस. इसके लिए आप सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लो, कुछ नहीं करना. LR6, मैं इसी फॉर्मूले से याद करती हूँ सप्लाई को. तो LR6 मतलब लेटरल वेक्टर सप्लाइड बाय द सिक्स्थ नर्व, सॉरी बाय द सिक्स्थ नर्व, सुपीरियर ऑब्लिक बाय फोर्थ नर्व एंड बाकी के सारी मसल्स ऑक्यूलोमोटर से मतलब कि थर्ड नर्व से सप्लाई होती हैं. अब अगर हम एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स के एक्शन क्या होते हैं, तो एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स का एक्शन होता है कि आई बॉल को मूवमेंट देना, जैसे पहले बताया था. ठीक है, अब मूवमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस जो होती है आई बॉल की उसके अलोंग. जैसे कि दिस इज ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया हमारा. ठीक है, मूवमेंट हो गया. और अगर हमारी इंटॉर्ट या एक्सटॉर्ट करती है मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, तो वो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस. तो इसके लिए हमको हर मसल का फंक्शन जानना जरूरी है. तो अगर हम मीडियल वेक्टर्स की बात करें, तो मीडियल वेक्टर्स और लेटरल वेक्टर्स के प्राइमरी एक्शंस होते हैं. एक्शन होता है अबडक्शन, और लेटरल वेक्टर्स का एक्शन होता है अबडक्शन. और बाकी सुपीरियर इंफीरियर और मतलब सुपीरियर वेक्टर्स इंफीरियर वेक्टर्स सुपीरियर ऑब्लिक इंफीरियर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एक्शन ही होते हैं. तो सुपीरियर एज अ नेम इंडिकेट सुपीरियर, तो हम बोल देंगे कि ये एलिवेट करती है सुपीरियर. इंफीरियर डिप्रेस करती है, ऑब्लिक इंटॉर्ट करती है, इंफीरियर ऑब्लिक एक्सटॉर्ट करती है. दीज आर द प्राइमरी फंक्शन. अगर हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें आप, तो सेकेंडरी फंक्शन होता है इंटॉर्शन, मतलब कि आपको अंदर की तरफ घुमाना थोड़ा सा और साथ में अडक्ट करना. हमारा डिप्रेशन जो कि इसका प्राइमरी फंक्शन है, मतलब नीचे की तरफ दिखाना, उसके साथ साथ एक्सटॉर्शन मतलब कि आउटसाइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, उसके एडक्शन एडक्शन. और सुपीरियर ऑब्लिक का काम है हमारा इंटॉर्शन, प्राइमरी फंक्शन. एंड सेकेंडरी इज डिप्रेशन, मतलब नीचे दिखाना, एंड एडक्शन. एंड इंफीरियर ऑब्लिक का एक्सटॉर्शन, एलिवेशन. एलिवेशन मतलब ऊपर उठाना, अबडक्ट करना. अबडक्ट मतलब होता है कि ना, और एडक्ट मतलब होता है नेजली देखना. ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर बात ये है कि आप कैसे इसको याद कर सकते हो. तो मीडियल सिंपल है कि मीडियल अडक्ट करती है, लेटरल अबडक्ट करती है. सुपीरियर रेक्टस को याद करने के लिए, सुपीरियर हमारी सुपीरियर रेक्टस, तो हम इसको एलिवेट बोल देंगे. साथ में टर्शियरी फंक्शन याद करने, तो कैसे करेंगे? दोनों सुपीरियर जो होती हैं हमारी, दोनों सुपीरियर इंटॉर्ट करती हैं. ठीक है, इट्स इजी कि आप ऐसे याद रखो, दोनों इंफीरियर हमारी एक्सटॉर्ट करती हैं. साथ में जो हमारा टर्शियरी एक्शन है रेक्टाई का, रेक्टाई हमेशा अडक्ट करती है. रेक्टाई हमेशा अबडक्ट करती है. अबडक्ट मतलब लेटरली देखना, अडक्ट मतलब नेजली देखना. तो इधर इज एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, डिप्रेशन नीचे देखना. ये देखो लेटरल रेक्टस का काम हो रहा है हमारा अबडक्शन, जिसमें वो बाहर की तरफ एक्शन हो रहा है मीडियल रेक्टस से, जो कि अंदर की तरफ देख रही है. और हमारी इंसर्शन क्या है, ये सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस का काम है हमारा ऊपर उठाना. अभी काम इंफीरियर ऑब्लिक भी एलिवेट करती है. अच्छा हाँ, एक और चीज याद रखने लायक चीज है कि हमारी रेक्टस मतलब एलिवेट करती है, उसके साथ साथ हमारी इंफीरियर ऑब्लिक का सेकेंडरी काम होता है एलिवेशन. मतलब ऑब्लिक अपोजिट वर्क कर रही है, जो सुपीरियर रेक्टस एलिवेट कर रही है, इसका मतलब हमारी एलिवेट करेगी. एंड इंफीरियर रेक्टस हमारी डिप्रेस कर रही है, तो सुपीरियर रेक्टस हमारी डिप्रेस करेगी. ओके, तो क्वेश्चन ये उठता है कि वाई, कि क्यों इनका मीडियल रेक्टस का और लेटरल रेक्टस का सिर्फ प्राइमरी फंक्शन है और बाकी सबका सेकेंडरी और टर्शियरी फंक्शन क्यों है? दैट्स बिकॉज
एक्सेस मसल्स जो होती हैं वो मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं ऑप्टिकल एक्सेस के. ऑप्टिकल एक्सेस क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द कॉर्निया लेंस और जाके हो रही है, ठीक है. लेकिन आप तो उसके बाद और हमारी रेक्टस मसल जो होती है वो रेक्टस मसल हमारी एंगल बनाती है किसके साथ, ऑप्टिकल एक्सेस के साथ, और एंगल डिग्री का, चाहे वो सुपीरियर रेक्टस हो चाहे वो इंफीरियर रेक्टस हो, दोनों हमारा 23 डिग्री का एंगल बनाती है. और हमारी जो ऑब्लिक मसल होती है वो 51 डिग्री. दैट्स व्हाई दे हैव सब्सिडियरी एक्शन, दैट इज मतलब प्राइमरी एक्शन के अलावा उनके पास सेकेंडरी और टर्शियरी एक्शन भी हैं. अब हमें मसल्स, ये मसल्स का इतना ही काम है कि हमको उनकी नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए, हमें मसल क्या वर्क कर रही है ये पता होना चाहिए, और हमें उसका ओरिजिन और इंसर्शन पता. ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इन समझने के लिए, वो होता है ऑक्युलर मूवमेंट. व्हाई ऑक्युलर मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, क्यों, ताकि आई डक्शन मतलब यूनिलेटरल मूवमेंट कौन सा होता है, बाइलेटरल मूवमेंट क्या होता है. तो यू कैन नॉट गैस द मसल और यू कैन नॉट गैस द कि कौन सी पार्ट है. तो यूनिलेटरल जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं उनको डक्शन बोलते हैं. निकट मैं काफी तेज तो नहीं बोल रही हूँ, हेलो ठीक हो, आप सही जा रही हो, बस थोड़ा सा स्लो, थोड़ा बस. ओके ओके, तो यूनिलेटरल मूवमेंट डक्शन मतलब यूनिलेटरल मूवमेंट मतलब कि एक आंख का मूवमेंट. अगर हमारे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हम बात करें तो अडक्शन और अबडक्शन, हमारा वर्टिकल एक्सिस में जब डक्शन मतलब इनवर्ड मूवमेंट, अबडक्शन मतलब आउटवर्ड मूवमेंट. हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की अगर हम बात करें तो सुपराडक्शन इंट्राडक्शन दैट इज अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, यही मूवमेंट होंगे. एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की अगर हम बात करें मतलब कि रोटेटरी मूवमेंट, तो इसमें हमारा आ जाएगा इनसाइक्लोडक्शन और एक्साइक्लोडक्शन. इनसाइक्लो टॉर्शन दैट इज नेजली मूवमेंट, ठीक है, नेजली टर्न होना, रोटेट होना नेजली. और एक्साइक्लोडक्शन मतलब लेटर. अब हम इस डायग्राम से देखते हैं कि जो डक्शन होते हैं वो कैसे, देखो ये अबडक्शन है, अबडक्शन में देख लो आप, इसमें आंख जो है हमारी थोड़ा सुपराडक्शन में हमारी आंख ऊपर जा रही है. इंटॉर्शन में इनवर्ड टर्निंग हो रही है आंख की, ऐसे ही अबडक्शन में लेटरली जा रही है, टॉर्शन में नीचे जा रही है, एक्सटॉर्शन में लेटरली मूव हो रही है. इंटॉर्शन में मीडियली मूव होती है, एक्सटॉर्शन में लेटरली मूव होती है, या सिंपल ऐसे या मतलब क्लॉकवाइज, एक्सटॉर्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज. अभी हमने मतलब मोनोक्युलर मूवमेंट तो पढ़ लिए क्योंकि होते हैं. अब हमारे बायनोक्युलर मूवमेंट क्या होते हैं, तो बायनोक्युलर मूवमेंट दो टाइप होते हैं हमारे. प्रियांशी मैम एक्सक्यूज मी, वो आपका नहीं है स्लाइड, वो शाहिद आजम करके, वो प्लीज कर सकता है क्या ऊपर में ही शाहिद आजम यार, ये हां इसको आप इसको थोड़ा सा वो एक बीच में लास्ट में ऑप्शन होगा एक, हां ट्रैक कर दूं क्या इसको, ट्रैक भी नहीं हो रहा यार ये तो. कोई नहीं, आप बस नीचे कर दो, क्रॉस कर दें ये चला जाएगा, इस पर क्लिक करके क्रॉस ऑप्शन होगा आई गेस, चला जाएगा. पीपीटी भी वैसे नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसका. मैम वहां पे कुछ शो हो रहा है ना, ड्रैग डिसमिस, हां आपका नाम राइट शो कर लो, ऑप्शन होगा प्रियांशी, ठीक है क्या. ओके ठीक है, थैंक यू. ओके ओके ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं बायनोक्युलर मूवमेंट की. हमने अभी तक बात करी थी यूनिओक्युलर मूवमेंट की जिसमें हमारा हो गया, अब हम बायनोक्युलर मूवमेंट की बात करते हैं. तो बायनोक्युलर मूवमेंट में हमारे दो मूवमेंट होते हैं, वन इज वर्जन एंड वन इज वर्जन. तो सबसे पहले अगर हम वर्जन की बात करें तो वर्जन मतलब कौन जो एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियस हो रहे हैं दोनों आंख में सेम डायरेक्शन में. द थिंग जो रिमेंबर करने की है वो है सेम डायरेक्शन में, वर्जन हमारे हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में. इसमें आ गया वर्जन, लीबो वर्जन. एक्ट्रो मतलब राइट, लीबो मतलब लेफ्ट. बेसिकली याद ऐसे रखो, लीबो मतलब एल, मतलब एल लीबो से, तो लीबो मतलब लेफ्ट और अपोजिट.
सुप्रा मतलब सुप्रा सबको पता है ऊपर, इंफ्रा मतलब नीचे देखना, डेक्स्ट्रो एलिवेशन मतलब राइट में ऊपर देखना, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन राइट में नीचे देखना, लिबो एलिवेशन लेफ्ट में ऊपर देखना, लिबो डिप्रेशन लेफ्ट साइड में नीचे देखना, डेक्स्ट्रो साइक्लो और लिबो साइक्लो, डेक्स्ट्रो साइक्लो मतलब कि राइट इंटॉर्ट या एक्सटॉर्ट हो रही है, ऐसे ही लिबो मतलब लेफ्ट साइड में इंटॉर्ट या एक्सटॉर्शन। अब इस इमेज से देखते हैं हम, ये है हमारा प्राइमरी, जो बीच में है हमारी इमेज है, ये हमारी प्राइमरी गेज है, ये कार्डिनल पोजिशन है। तो ये हमारी कार्डिनल पोजीशन है, ये हमारी प्राइमरी पोजीशन है, हमारी है, और ये है हमारी एलिवेशन, दिस इज डिप्रेशन, दिस लेटरली अब मतलब लेफ्ट साइड पे आप देखना मतलब लीवो एलिवेशन, दिस इज लीवो डिप्रेशन, और ये है हमारा लीवो, दिस इज डेक्स्ट्रो, दिस इज डेक्स्ट्रो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, और ये नीचे है हमारा कन्वर्जेंस। आई डोंट थिंक सो कि आप लोग देख पा रहे हो, प्रियांशी मैम ऑल क्लियर? क्या दिक्कत आ रही है? अटक गई है। ओके मैं दोबारा ऊपर ओपन करूं? हाँ श्योर, अगर दूसरे तरीके से नहीं हो रहा तो दोबारा ओपन करना चाहिए आपको। ओके हो गया शायद। ओके तो हमने अभी पढ़ा था वर्जन, ठीक है, वर्जन मतलब बोथ आई के सेम डायरेक्शन में मूवमेंट। प्रियांशी मैम आई थिंक ब्राइटनेस भी कम है, सॉरी बार-बार इंटरप्ट कर रहा हूं। अभी ठीक है? हां ठीक है, ओके फाइन। तो अब हम अभी तक हमने पढ़ा था वर्जन, वर्जेंस में हमारे होते हैं डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट, क्योंकि साइमल्टेनियस तो होते हैं दोनों आंखों में बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वर्जेंस में होते हैं, वर्जन होता है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। वर्जेंस में हमारे दो आ जाते हैं, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है इनवर्ड मूव, इसकी वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मीडियल रेक्टाई, क्योंकि इनवर्ड मूव कर रही है, नेजली मूव कर रही है, मतलब की कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मीडियल रेक्टाई का। और डाइवर्जेंस होता है हमारा ये हमारा होता है लेटरल रेक्टाई की वजह से। इधर डायग्राम में ऊपर वाला डायग्राम हमारा कन्वर्जेंस का है, ठीक है, एंड इसमें देखो आप दोनों आंखें निकल रही हैं, और दूसरा वाला हमारा डाइवर्जेंस का है जिसमें लेटरली हमारी आंखें मूव कर रही हैं। तो थैंक यू। अभी मैंने आप लोगों के लिए एक गेम डिजाइन किया है, ये था कि आप लोग इंटरेक्ट करो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना पहले मैं अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं पहले उसे क्लियर कर दूंगी। शायद डाउट मुझे मूवमेंट समझ नहीं आया अभी और